नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलेंगे 511 वर्ष पूर्व की उस ऐतिहासिक घटना की ओर, जिसके रहस्य से पर्दा संत रामपाल जी महाराज ने उठाया। और इस घटना का संबंध एक ऐसे महापुरुष से है जिसे कोई संत तो कोई कवि तो कोई भगवान मानता है, जिनका नाम है कबीर साहब जी। जी हाँ दर्शकों, कबीर साहब को कोई संत तो कोई कवि तो कोई भगवान मानता है, लेकिन दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने इस ऐतिहासिक घटना का रहस्य जिन साक्ष्यों के साथ दिया है, जिसे जानने के बाद आप स्वयं इस निर्णय तक पहुंच जाएंगे कि वास्तव में कबीर जी कौन थे। तो इस रहस्य को जानने के लिए देखिए यह पूरा वीडियो। पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव प्रत्येक युग में इस धरा पर अवतरित होते हैं और एक आम जन साधारण की तरह लीला करते हुए अपने वास्तविक घर यानी सतलोक की जानकारी भक्त समाज को देते हैं। लेकिन उस समय अधिकांश लोग परमेश्वर की पहचान नहीं कर पाते। लगभग 625 वर्ष पूर्व पूरी सृष्टि को बुनने वाले कबीर साहिब जी काशी नगर की जुलाहा बस्ती में एक टूटी सी झोपड़ी में 120 वर्ष तक कपड़ा बुनने की लीला करते हुए अपने तत्व ज्ञान और सतलोक की महिमा का गुणगान किया करते। उन्होंने समाज में फैले पाखंडवाद को समाप्त किया और भक्तों को एक सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। इस भक्ति के फल स्वरूप लोगों को परमात्मा का वास्तविक लाभ मिलने लगा। इससे प्रभावित होकर उस समय के हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के 64 लाख श्रद्धालु कबीर परमेश्वर जी के शिष्य बन गए। वहीं दूसरी तरफ कबीर परमेश्वर जी को एक आम भक्त, संत व गरीब जुलाहा समझ उस समय के मुल्ला, काजी, पंडित और ब्राह्मण कबीर साहिब जी की महिमा चारों ओर फैलते देख ईर्ष्यावश आए दिन उन पर जुल्म करने की अस्थाई कोशिश करते ही रहते थे। जब सब षड्यंत्र फेल हो गए तो काशी के सभी पंडितों और काजी मुल्लाओं ने सभा करके निर्णय लिया कि कबीर एक निर्धन जुलाहा है। हम इसके नाम से पूरे हिंदुस्तान में चिट्ठी भिजवा देते हैं कि कबीर सेठ पुत्र नीरू जुलाहा कॉलोनी बनारस वाला 3 दिन का भोजन भंडारा करने जा रहा है। सभी अखाड़े वाले बाबा और साधु संत आमंत्रित हैं। साथ में अपने अपने शिष्यों को अवश्य लाएं। 3 दिन प्रत्येक भोजन के पश्चात सभी साधु संत, ब्राह्मण, काजी मुल्ला, पीर पैगंबर और ओलिया को एक दोहर, एक मोहर तथा जो कोई सूखा सीधा यानी आटा, मिठाई, घी, दाल, चावल भी लेना चाहे वह भी दिया जाएगा। दोहर एक लोई होती थी जो उस समय की सबसे महंगी और उपयोगी कंबल मानी जाती थी, जिसे अमीर लोग ही ओढ़ते थे। मोहर लगभग 10 ग्राम सोने से बनी होती थी, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 30,000 रुपए है। उस लोहे की कीमत वर्तमान में 10,000 से कम नहीं है। सर्वसम्मति से यह निर्णय लेकर पत्र भिजवा दिए गए और दिन निश्चित कर दिए गए। निश्चित दिन को 18 लाख साधु संत, ब्राह्मण, मंडलेश्वर अपने अपने शिष्यों सहित पहुंच गए। सबको लालच था कि प्रत्येक भोजन के पश्चात उपरोक्त दक्षिणा मिलेगी, इसलिए अपने अपने शिष्यों को मंडलेश्वर ले आए कि अच्छा माल मिलेगा, सूखा सीधा भी लेंगे, महीनों का खाने का और कई हजार का सोना तथा लोई मिलेगी, बेचकर काम चलाएंगे। कबीर परमेश्वर ने 2 रूप में अभिनय किया। एक रूप में वह अपनी कुटिया में बैठे रहे, दूसरे रूप में अपने सतलोक से 9 लाख बैलों पर थैले रखकर पका हुआ सामान तथा सूखा सामान और दोहर मोहर भर कर ले आए। आया है, काशी आया, माल अपारा केशव आया है।
लखोटी बड़ी विशंबर नौ लखोटी बड़ी विशंबर दिया कबीर भंडारा के बाजार में टेंट लगाकर सारा सामान टेंटों में रख दिया और कुछ सेवक भी सतलोक से साथ आए थे जो सभी व्यवस्थाएं संभाल रहे थे। भंडारा शुरू कर दिया गया। 3 दिन तक चिट्ठी में लिखे अनुसार सभी दक्षिणा दी गई। उस समय भोजन भंडारे में दिल्ली का राजा सिकंदर लोधी भी आया था और उसका निजी पीर शेख तकी भी आया था। शेख तकी उपरोक्त षड्यंत्र का मुख्य सदस्य था। उसने सिकंदर लोधी को भी पत्र भिजवाया। वह चाहता था कि किसी तरह सिकंदर लोधी के दिल से कबीर जी उतर जाएं और मेरी महिमा बढ़े। उस शेख का अनुमान था कि अब की बार कबीर काशी से भाग जाएगा और भंडारे में पहुँचे साधु कबीर को गालियां दे रहे होंगे। राजा भी कबीर जी का प्रशंसक नहीं रहेगा। परंतु जब वे भंडारे के स्थान पर पहुँचे तो देखा कि लंगर चल रहा है और सभी दक्षिणा दी जा रही है। सभी साधु और अन्य व्यक्ति भोजन दक्षिणा लेकर कबीर सेठ की जय जयकार कर रहे हैं। बादशाह सिकंदर लोधी ने पता किया कि भंडारा करने वाला कहाँ है। बताया गया कि वह सामने वाले बड़े तंबू में है। राजा और शेख तकी उस तंबू में गए और पहले अपना परिचय दिया, फिर उसका परिचय पूछा। तंबू में बैठे सेठ ने परिचय बताया कि मेरा नाम केशव है, मैं बंजारा हूँ। कबीर जी मेरे मित्र हैं। उनका मेरे पास संदेश गया था कि एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेकर आना। मेरा भी निमंत्रण भेजा था। राजा सिकंदर लोधी ने पूछा कि कबीर जी क्यों नहीं आए। केशव रूपधारी परमेश्वर ने कहा, मैं जो बैठा हूँ उनका नौकर हूँ, वे मालिक हैं। इच्छा होगी तब आएंगे। उनकी कृपा और आदेश से सब ठीक चल रहा है, आप भी भोजन करें। राजा ने कहा, पहले उस सुभान अल्लाह के दर्शन करूँगा, बाद में भोजन करूँगा। यह कहकर हाथी पर बैठकर राजा सिकंदर कबीर जी की कुटिया पर पहुँचे। साथ में कई अंगरक्षक भी थे। कबीर परमेश्वर जी को संत रविदास जी ने सुबह ही बता दिया था कि
हे कबीर जी, आज तो विरोधियों ने बनारस छोड़कर भगाने का कार्य कर दिया है। आपके नाम से झूठे पत्र भेज रखे हैं और ऐसा ऐसा लिखा है, लगभग 18 लाख व्यक्ति साधु संत लंगर खाने पहुंच चुके हैं। कबीर जी ने कहा कि मित्र आ जा, बैठ जा, दरवाजा बंद करके साकर लगा ले। आज का दिन बिता कर रात्रि मैं अपने परिवार को लेकर भाग जाऊंगा, कहीं अन्य शहर गांव में निर्वाह कर लूंगा। जब उन्हें कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं तो चिल्ला कर गाली गलौज करके चले जाएंगे। हम साकर नहीं खोलेंगे, यदि किवाड़ तोड़ेंगे तो हाथ जोड़ लूंगा कि मेरा सामर्थ्य आपको भंडारा कराने का नहीं है। गलती से पत्र डाले गए, मारो भावे छोड़ो। दोनों संत माला लेकर भक्ति करने लगे। मो बोले, माता पिता तथा मृतक जीवित किए हुए लड़का तथा लड़की सुबह सैर को गए थे। इतने में दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ने दरवाजा खटखटाया। संत रविदास जी ने कहा, प्रभु लगता है कि अतिथि यहाँ पर भी पहुँच गए हैं। कबीर जी ने कहा, देख सुराग से बच्चे तो नहीं आ गए हैं। रविदास जी ने देखकर बताया कि नहीं, कोई और ही है। दो तीन बार दरवाजा खटखटाकर राजा सिकंदर लोधी ने अपना परिचय देकर बताया कि आपका दास सिकंदर आया है, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, राजन आज दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरे नाम से झूठी चिट्ठियाँ भेज रखी हैं। लाखों संत भक्त पहुँच चुके हैं, रात्रि होते ही मैं अपने परिवार को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। सिकंदर लोधी ने कहा, परवरदिगार आप मुझे नहीं बहका सकते, मैं आपको निकट से जान चुका हूँ। आप एक बार दरवाजा खोलो, मैं आपके दर्शन करके ही जलपान करूंगा। परमेश्वर की आज्ञा से रविदास जी ने दरवाजा खोला तो सिकंदर लोधी मुकुट पहने पहने ही चरणों में लौट गया और बताया कि आप अपने आप को छिपा कर बैठे हो, आपने कितना सुंदर भंडारा लगा रखा है। आपका मित्र केशव आपके संदेश को पाकर सर्व सामान लेकर आया है, आपके नाम का अखंड भंडारा चल रहा है, सभी अतिथि आपके दर्शनाभिलाषी हैं, कह रहे हैं कि देखे तो कौन है कबीर सेठ जिसने ऐसे खुले हाथ से लंगर कराया है। मेरी भी प्रार्थना है कि आप एक बार भंडारे में घूमकर सबको दर्शन देकर कृतार्थ करें। तब परमेश्वर कबीर जी उठे और कुटिया से बाहर आए तो आकाश से कबीर जी पर फूलों की वर्षा होने लगी और आकाश से आकर सिर पर सुंदर मुकुट अपने आप पहना गया। तब हाथी पर बैठकर कबीर जी तथा रविदास जी वे राजा चले तो सिकंदर लोधी परमेश्वर कबीर जी पर चंवर करने लगे और पीलवान से कहा कि हाथी को भंडारे के साथ लेकर चल, जो भी देखे और पूछे काशी वालों से कि कबीर सेठ कौन सा है, उत्तर मिले कि जिसके सिर पर मोर पंख वाला मुकुट है यह है कबीर सेठ। जिस पर सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह चंवर कर रहे हैं, सभी एक स्वर में जय बोल रहे थे, जय हो कबीर सेठ की, जैसा लिखा था वैसा ही भंडारा कराया है, ऐसी व्यवस्था कहीं देखी न सुनी। भोजन खाने का स्थान बहुत लंबा चौड़ा था, उसमें घूमकर फिर वहाँ पर आए जहाँ पर केशव टेंट में बैठा था। हाथी से उतरकर कबीर जी तंबू में पहुँचे तो अपने आप एक सुंदर पलंग आ गया, उसके ऊपर एक गद्दा बिछ गया, ऊपर गलीचे बिछ गए जिसके झालरों में हीरे पन्ने लाल लगे थे। टेंट को ऊपर कर दिया गया जो दो तरफ से बंद था। खाना खाने के पश्चात सब दर्शनार्थ वहाँ आने लगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने उन परमात्मा के लिए घर त्याग कर आश्रमों में रहने वालों तथा अन्य गृहस्थ व्यक्तियों और ब्राह्मणों को आपस में अर्थात केशव तथा कबीर जी ने आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर करके सत्य ज्ञान समझाया। चौपड़ के बाजार फिर कर आए के सो पास, गरीब दास कुर्बान गति क्या क्या कहूँ विलास। पाट पटम्बर बिस गए ऊपर हीरे लाल, गरीब दास साहेब दनी डाये मुक्ता माल। केसो और कबीर का तंबू माई मिलाप, गरीब दास आठ पैर लग गोष्ठी निज गर गाप। केसो कैत कबीर से पूछत बाता बीन, गरीब दास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन। सो योजन पर लगत है या दुनिया की गंद, गरीब दास केसो कह
हाड चाम का फंद। सुन कबीर सुर वेद हूँ केसो कष्ट करंत, गरीब दास गंदे मनस मेला आन फरंत। दिष्टा जिन के देह मगन फेरे दिन रात, गरीब दास केसो कह जिन सिर यम की घात। सुन कबीर मन भावने तुमरी बात अगाध, गरीब दास केसो कह तुमसे तुम ही साध। धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रहनी तुम्हार, गरीब दास के शोक है छोड़िए गंदा संसार। नरक भरे तिस उदर है रुदर भरी सब देह, गरीब दास के शोक है यमन सो मुखे है। राम नाम कैसे भोर नरक नगीन शरीर, गरीब दास के शोक है विलंबे कहाँ कबीर। दम बिन दे ही सही नहीं जमी आसमान, गरीब दास के शोक है जहाँ रहना स्थान। हीरे पीले मोती जा हीरे बदन सफेद, गरीब दास के शोक है सुनो देश का भेद। लाल श्याम जा रतन है नहीं भौतिक आकार, गरीब दास के शोक है चल कबीर परिवार। सुन के सो अब वंदना कह कबीर संदेश, गरीब दास लोक में है हमारा प्रवेश। आड चाम की देई में दूध रतन सर्वंत, गरीब दास घट पिंड में ऐसे है भगवंत। तन दूधी को पाड़ कर जय कोई देखे दूध, गरीब दास उस पिंड में आड चाम और गूद। हमरे ही हुनियारे है हमरा सर्जन हारे, गरीब दास विधि भेद सुन खुले मुक्ति द्वार। युग सत्तर हम ज्ञान दिया जीवन समझा एक, गरीब दास घर घर फिरे दरे कबीरा भेख। सत्तर युग सेवन किए किन नी बात, गरीब दास में समझात हूँ मोहे लगावे लात। कलप कोटि युग बीतिया हम आए हर बेर, गरीब दास के सो सुनो देन भक्ति की टेर। स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीब दास घर घर से जा मार मार के मार। हमरी जात अपूरे भी पूरब रहनी हमारे, गरीब दास कैसे जुड़े पश्चिम के कतार। हम है ठेठ पूरब के उतरे ओगट घाट, गरीब दास जी दक्षिण के योनि मिलती साथ। हम पूरब के पूर्वी उत्तर देश उतरंत, गरीब दास जी दक्षिण के योनि संग चलंत। जिन्हों हमारी सीख ली काटू जरा मण जंजीर, गरीब दास के सो सुने ऐसे कह कबीर। फिर बाजी विद न रचे वह नी जीव अवंत, गरीब दास सत्य लोक में अमर पटा पावंत। अनंत कोट बाजी जहाँ रचे सकल ब्रह्मंड, गरीब दास मैं क्या करूँ काल करत जीव खंड। गिलों काल निकंद हूँ जीव विध्वंस नहीं होए, गरीब दास जो लाक है शब्दन बूझे कोए। मनुष्य जीव क्या बात है पशु पक्षी परवाने, गरीब दास जो लाक है करूँ हंस अमान। मैं बंजारा आदि का यही हमारी साट, गरीब दास जी अवे करू बोर्न आवे बाट। एक गाड एक जलाइए यानी मोए सुहाए, गरीब दास सतलोक में देवों जीव पहुँचाए। सुन कबीर के शोक है जो कुछ करो सुकीन, गरीब दास मुख तारे तुम ही दीन वे दीन। सुन सतगुर तो से कह तुम हो दीन दयाल, गरीब दास आदीन में तुम साहिब अबदाल। अनंत कोटि ब्रह्मांड को तारत लगे नेवार, गरीब दास के सो कहे तुम ही दारमदार। तुम ही दारमदार हो यहाँ कल्प नहीं इंच, गरीब दास के सो कहे सब तुमरे ही परपंच। के सो तिले सौ धाम को नौ लख बोली लीन, गरीब दास बंधन किया बाजत है सुरबीन। के सो और कबीर जित मिलत बेता एक, दास गरीब कबीर हरी दरते नाना भेख। बंजारे और बैल सब
लाए थे भरमाल। गरीब दास सतलोक को चले गए तत्काल। आवत जाते ना लेखे कौन जाम प्रकाश। गरीब दास बुद्ध है कहा गए हरिदास। हरी में हरि के दास है दासन के हरि पास। गरीब दास पद अगम गति सात की उदास। चरो सिकंदर बादशाह क्यों बर्था भक्त कमाए। गरीब दास उस पीर के तन मन लगी भाए। जेता शहर कबीर का हमरे बहुत अनेक। गरीब दास सिख तक के लगी जुबान मेक। गूंगा भया बोले नहीं नहीं जवाब जुबान। गरीब दास मारा पड़ा बिन ही करो कमान। एता दोस दरे कहा दग्ध जमी आसमान। गरीब दास गूंगा भया बहरा हुआ कान। आठ पहर यानी 24 घंटे तक सत्संग करके उनका अज्ञान दूर किया। कई लाख साधुओं ने दीक्षा ली और अपना कल्याण कराया। विरोधियों ने तो परमेश्वर का बुरा करने की कोशिश की, परंतु परमात्मा को इकट्ठे करे कराए भक्त मिल गए अपना ज्ञान सुनाने के लिए। उन भक्तों को सतलोक से आया हुआ उत्तम भोजन कराया, जिसके खाने से अच्छे विचार उत्पन्न हुए। उन्होंने परमेश्वर का तत्व ज्ञान समझा, दीक्षा ली तथा कबीर जी ने उन्हें वर्षों का खर्चा भी दक्षिणा रूप में दे दिया। सब भंडारा पूरा करके सर्व सामान समेट कर बैलों पर रख कर जो सेवक आए थे वे चल पड़े। तब सिकंदर लोधी, शेख तकी, कबीर जी, केशव जी तथा राजा के कई अंगरक्षक भी खड़े थे। अंगरक्षक ने आवाज लगाई, बैल धरती से 6 इंच ऊपर चल रही है, पृथ्वी पर पैर नहीं रख रहे। यह लीला देखकर सब हैरान थे। फिर कुछ देर बाद देखा तो आसपास और दूर तक न बैल दिखाई दिए और न बंजारे सेवक। सिकंदर लोधी ने पूछा, हे कबीर जी, बंजारे और बैल कहाँ गए? परमेश्वर कबीर जी ने उत्तर दिया कि जिस परमात्मा के लोग से आए थे उसी में चले गए। उसी समय केशव वाला स्वरूप देखते ही देखते कबीर जी के शरीर में समा गया। सिकंदर राजा ने कहा, हे अल्लाह अकबर, मैं तो पहले ही कह रहा था कि यह सब आप कर रहे हो, अपने आप को छिपाए हुए हो। शेख तकी तो जल भुन रहा था, कहने लगा कि ऐसे भंडारे तो हम मने को कर दे, यह तो महोच्छा सा किया है, हम तो जग जोनार कर देते। महोच्छा कहते हैं वह धर्म अनुष्ठान जो किसी पुरोहित द्वारा पितर दोष मिटाने के लिए थूपा गया हो, उसमें व्यक्ति बताए गए नग मन मार कर सस्ती कीमत के ला कर पूरे करता है, हाथ सिकोड़ कर लंगर लगाता है। जिसके घर कई वर्षों के बाद संतान उत्पन्न होती है तो दिल खोल कर खर्च करता है, भंडारा करता है तो खुले हाथों से। संत गरीब दास जी ने उस भंडारे के विषय में जिसकी जैसी विचारधारा थी यह बताई। गरीब कोई कहे जग जो नार करी है, कोई कहे महोचा, बड़े बड़ाई करया करें गाड़ी काटे ओछा। भावार्थ है कि जो भले पुरुष थे वे तो बड़ाई कर रहे थे कि जग जो नार करी है, जो विरोधी थे वो ईर्ष्यावश कह रहे थे कि क्या खाक भंडारा किया है, यह तो महोचा सा किया है। जब शेख तकी ने ये वचन कहे तो वह गूंगा तथा बहरा हो गया और शेष जीवन पशु की तरह जिया। अन्य के लिए उदाहरण बना कि अपनी ताकत का दुरुपयोग करना अपराध होता है और उसका भयंकर फल भोगना पड़ता है। दर्शकों, अभी आपने देखा कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने अपनी समर्थता का परिचय देते हुए 3 दिन तक 18 लाख साधु संतों को केशव बंजारा रूप में सतलोक से आकर भंडारा कराया था, और ऐसे ही दिव्य भंडारे को वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा 10 से अधिक सतलोक आश्रमों में साल में 6 बार करवाए जाते हैं, जिसमें पूरे विश्व को आमंत्रित किया जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि समर्थ पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरा में मौजूद है, क्योंकि समर्थ कबीर परमात्मा के बिना पूरे विश्व को भंडारा कराना संभव नहीं है। दर्शकों, इस वीडियो में आपने कबीर साहब की 18 लाख साधु संतों को दिव्य भंडारा कराने की एकमात्र लीला के विषय में जाना, लेकिन कबीर परमात्मा ने आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व ऐसी ऐसी अनेक लीलाएं की थीं। कबीर साहब की संपूर्ण लीलाओं की विस्तृत जानकारी जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों को प्रतिदिन देखिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर।